सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार किंग एडिट। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही सिंपल फोटो एडिटिंग जो कि भी इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है। और हाँ गाइस, जैसा कि आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक टाइप का इस तरह का फोटो एडिटिंग को पेंटिंग फोटो एडिटिंग कहते हैं। तो और हाँ गाइस, जो लोग ये एडिटिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो इस टाइप का फोटो एडिटिंग बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन भी कर देना प्रेस, ताकि मैं जब भी कोई नई फोटो एडिटिंग करूँ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और हाँ गाइस, मैंने इस फोटो को एडिट करने में जो कुछ भी PNG वगैरह यूज़ किया, उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। और हाँ गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर देना एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ऑसम, फैंटास्टिक या फैबुलस या कुछ भी एनीवे। और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों के दोस्तों भी कुछ इंस्टा का फोटो एडिटिंग कर पाएँ। और हाँ गाइस, जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इनर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं सारा कुछ का अपडेट वहीं पर देता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो हे गाइस, हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। चलिए हम लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए गाइस, मैंने अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चले आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक कैनवास पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें चूज़ करना है ये वाला 1024 का स्क्वायर। चूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे इसे डन कर देना है। और डन करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से सिंपली रिटर्न होना और यहाँ से एडिट इमेज पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमें जाना है ऐड फोटो का ऑप्शन पे और हमें एक पेंटिंग का PNG ऐड करना। तो चलिए मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने पेंटिंग का PNG ऐड कर लिया। तो हमें इसे फुल स्क्रीन पे यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देना है और एडजस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इसे कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ से इसे डन कर देना है। और डन करने के बाद हमें वापस से जाना है ऐड फोटो का ऑप्शन पे और हमें एक अपना कोई एक फ़ोटो एडिट किया हुआ जो आप लोग अच्छा लगता होगा उसे हम लोग को ऐड करना। तो चलिए मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने अपने फ़ोटो को ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद हमें जाना है यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके इफेक्ट्स पे। और इफेक्ट्स पे आने के बाद हमें यहाँ पे नीचे मिलता है एक मैजिक, और मैजिक पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक इफेक्ट मिलता है बैड लैंड्स। तो हमें इसे इस पर क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लीजिएगा। तो हमें फिर से वापस से बैड लैंड्स पे इफेक्ट पे क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद हमें इसका फेड को इनक्रीज करके लगभग 60 पर रख देना और हमें ऊपर से यहाँ से मर्ज कर देना। और मर्ज करने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली इसे डन कर देना। और डन करने के बाद हमें अपने मॉडल को कुछ स्टेप से बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट करना है, इसका ओपेसिटी को थोड़ा कम करना और यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देना है। और एडजस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली जाना है यहाँ से इसे ब्लेंड वाले ऑप्शन पर। और ब्लेंड वाले ऑप्शन पर आने के बाद हमें यहाँ से इसे स्क्रीन कर देना है। और स्क्रीन करने के बाद हमें वापस से जाना है ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर और ओपेसिटी को फुल कर देना। और फुल करने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली इसे डन कर देना है। और डन करने के बाद हम देख सकते हैं, आज मैंने जो इंस्टाग्राम पे पिक अपलोड की थी उस पर नीचे में लिखा हुआ था पेंटिंग। तो पेंटिंग लिखने के लिए चलेंगे हम यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम यहाँ पे हम सर्च कर लिखेंगे पेंटिंग, PAIN पेंटिंग आ गया। अब हम यहाँ से इसे डन कर देंगे। और डन करने के बाद हम यहाँ से फिर डन कर देंगे। और डन करने के बाद हमें जाना है यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हमें जाना है माय फॉन्ट पे और हमें यहाँ पे ये वाला फॉन्ट यूज़ करना है। अगर आप लोग भी चाहिए होगा ये वाला फॉन्ट तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद आप लोग भी अपने फ़ोटो पर कुछ इस टाइप से स्टाइलिश फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। तो हमें इसका कलर को ब्लैक कर देना है। और ब्लैक करने के बाद हमें यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से नीचे की साइड में बड़ा करके लगा देना है।
और लगाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ से इसे डन कर देना है। और डन करने के बाद देख सकते हैं गाइस हमारा फोटो कितना अच्छा लग रहा है, कितना मक्खन लग रहा है देखने में। और हाँ गाइस, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन भी कर देना प्रेस, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर देना एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और सम फैंटास्टिक कुछ भी एनीवे, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप लोग दोस्तों भी कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग कर पाएँ। और हाँ गाइस, जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं सारा कुछ का अपडेट वहीं पर देता रहता हूँ। तो चले गाइस, मिलते हैं किसी और फोटो एडिटिंग के साथ किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।